सो है वेलकम बैक गाइस। दोस्तों मैं श्रीधर दुरत आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में। और आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो आज हम आए हैं कारगर के लैपटॉप वर्ल्ड। यहाँ पे आपको रिफर्बिश लैपटॉप जो है ना वो काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाते हैं। और आप जो हमारे मतलब वीडियो के प्रति प्यार दिखा रहे हो ना, उसी के लिए हम लोग जो वीडियो क्वालिटी है वो अपडेट करने के लिए यहाँ पे लैपटॉप लेने आए। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के जो लैपटॉप्स हैं हमें यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, तो उसमें से एक चूज़ करेंगे, आपको बताएंगे हमने कौन सा लैपटॉप लिया। और अगर आपको भी लैपटॉप लेना हो या फिर आप नवी मुंबई में रहते हो, आपको लैपटॉप की सर्विस करानी हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट है। मतलब जितना मैंने रिव्यूज़ पढ़ा है इनका इंटरनेट पे और बहुत सारे लोगों से भी सुना है, क्योंकि इनके तीन शॉप्स है, मेरे यहाँ पे भी है, सीउड में भी है, मतलब मैं नेरूल में रहता हूँ, सीउड में भी है, खारगर में भी है और पनवेल में भी है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मतलब स्टॉक है वो ज़्यादा है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। यहाँ के जो ओनर है उनसे मैं बात कर रहा था कि मतलब कैसे है, क्या है, आप कैसे आ सकते हो, वो सब मैं आपको अंदर जाकर रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते। मैंने भी इनका इंस्टाग्राम पे रील देखा था, वही देख के यहाँ पे आया। तो एक सर से मेरी कल बात हुई थी, नितिन सर, तो चलिए उनसे मिलते हैं, फिर उनको पूछते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे आईमैक वगैरह दिख रहा है। हाय सर। हाय, मेरा नाम श्रीधर, कल आपसे बात हुई थी ना? यस यस। तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, मतलब मैं यूट्यूब के लिए वगैरह वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरे मतलब वीडियो भी बना रहा हूँ मैं उसी के लिए, तो मुझे अपग्रेड करना था। मतलब बहुत सारे मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए कैसे अभी फोन पे पॉसिबल नहीं होता है। yes. तो उसके लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, तो आपके पास कौन से ब्रांड के अवेलेबल है और क्या है, आप दिखा सकते हो मुझे? yes, yes. अपने पास काफी सारी वैरायटी है, HP है, Dell है, Lenovo है, Apple है। तो मैं आपको एक एक करके हर एक कंपनी के जो लैपटॉप है ना दिखा देता हूँ, और फाइनली मैं कौन सा लैपटॉप ले रहा हूँ वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैकबुक प्रो। ज्यादा करके कस्टमर्स की इंक्वायरीज मैकबुक के लिए आती है जो प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं। तो इसमें आपको 32 GB रैम रहेगा, 512 SSD मॉडल मिल जाएगा, 1 TB वाला भी मिल जाएगा। ये 2019 का मॉडल रहेगा। ये लुक लाइक देखो, न्यू कंडीशन है ये। नया लेने जाओगे तो ये 2.5 लाख तक आ जाता है। ये अपने पास 55,000 में आ जाता है। 55,000 कंडीशन एकदम प्रॉपर रहती है, कंडीशन तो बहुत ही अच्छी, स्क्रैचेस भी ना के बराबर ही है। और इससे थोड़ा सस्ता, क्योंकि मेरा बजट जो है ना वो 30,000 to 40,000 के बीच okay. तो उससे थोड़ा सस्ता, तो मैं दिखा देता हूँ उसके लिए भी है अपने पास अवेलेबल। ये आ जाएगा आपको HP में, 144 Hz डिस्प्ले रहेगा ओके okay. इसमें 4 GB ग्राफिक कार्ड रहेगा, 32 GB रैम रहेगा, 1 TB SSD रहेगा। ये आपको 35,000 में आ जाएगा। ये 35,000 ये आपके रेंज में बैठ रहा है सर। राइजन सीरीज का है? राइजन सीरीज में है। यस, राइजन 5 यस। और भी कुछ है आपके? और भी है ना अपने पास, थोड़ा यूनिक लैपटॉप में भी अपने पास अवेलेबल है। डेल का एलिनवेयर है, ये आपको गेमिंग लैपटॉप है। यस, ये मेरे एक दोस्त के पास है। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन? इसका कॉन्फ़िगरेशन है 64 GB रैम है, 1 TB SSD रहेगा ये मॉडल में। 1 TB? हाँ, 1 TB SSD रहेगा। इसमें 3 स्लॉट है हार्ड डिस्क के। कंडीशन देख सकते हो आप, इसकी कंडीशन एकदम प्रॉपर है। और ये देख सकते हो, ये जो है ना स्टार्ट करने का, ये काफी अच्छा लगता है। मेरे दोस्त के पास भी है, एकदम सुंदर। ये देख सकते हो इसके पीछे वाला भी पूरा लाइट करता है, जो काफी सुंदर दिखता है। मतलब जब आप प्रोफेशनल एडिटिंग करने बैठोगे ना, मतलब जैसे मैं ऐसे बैठूंगा सामने से वीडियो आएगा, एक नंबर लगेगा दोस्तों। और इसका क्या प्राइसिंग बोला? ये आपको 48,000 में आ जाएगा सर। 48,000? यस सर। ओके, और ये कभी का मॉडल है? ये आपका 2021 का मॉडल है सर। 2021 i7 8th जनरेशन। यस। So, और भी कोई है मतलब, जैसे कि अभी आपने मैकबुक दिखाया, इसमें कोई कम बजट वाला अगर रहेगा तो? इसमें है ना कम बजट वाला भी है अपने पास, ये आपको 40,000 में आ जाएगा ओके okay. इसमें भी आप आपकी एडिटिंग कर सकते हो। इसमें आपको रैम रहेगा 8 GB रैम, 512 SSD, 40,000 में आ जाएगा। ये भी टच बार मॉडल है, कंडीशन okay, आप देख सकते हो ब्रांड न्यू कंडीशन है। और ये कभी का है मॉडल? ये 2019 का मॉडल है। ये 2019 का मॉडल। yes, तो दोस्तों अभी मैं ये सारे मतलब जो है लैपटॉप्स मेरे लिए तो देख ही रहा हूँ, और आपके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर है जो यहाँ पे आता है, जिसको कम बजट में लैपटॉप चाहिए, तो आपके यहाँ पे रेंज कितने से है? रेंज अपने पास 10,000 से। 10,000 में भी अवेलेबल है अपने पास लैपटॉप, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, चले आप दिखा दीजिए, तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ और मैं कौन सा फाइनल कर रहा हूँ। देखो मुझे काफी पसंद है दोस्तों, क्योंकि कैसे देखो, पहली बात तो मैं हूँ इन्फ्लुएंसर, तो मैं जाऊंगा पब्लिक में जाके सिर्फ ऐसा खोल के बैठूंगा, मैं करूंगा तो कुछ नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा तो भी लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा, जो मैं लैपटॉप चूज करूंगा आपको फाइनल में बता दूंगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। अभी मैं आपके लिए लैपटॉप्स दिखाता हूँ, अगर आप नवी मुंबई में रहते हो या फिर आपको लैपटॉप्स चाहिए, आप डिलीवरी भी देते हो अगर बाहर से किसी को चाहिए होगा। yes, तो कुरियर वगैरह भी करते हैं, कुरियर फैसिलिटी भी है। कुरियर फैसिलिटी तो वो कैसे है क्या है मैं आपको एंडिंग में बता देता हूँ, पहले मैं आपको लैपटॉप दिखा देता हूँ जो मैंने। ठीक है, ये मॉडल है सर, ये आपको 10,000 में आ जाएगा।
i5 सी जनरेशन रहेगा, बैकलाइट कीबोर्ड रहेगा, विंडो 10 रहेगा, 8GB रैम, 256 SSD, लाइट वेट है। ओके, और इसका कंडीशन भी काफी सही है। देखो 10,000 में आ जाएगा आपको सिर्फ फोर 256 GB SSD रहेगा, 8GB रैम रहेगा। ओके, जैसे और कोई लैपटॉप मतलब और भी है अपने पास? ये डेल वाले, हाँ ये डेल XPS है। ओके, ये i7 8 जनरेशन है। ओके, ये डेल की सुपर प्रीमियम सीरीज है। राइट, ये आपको मिल जाएगा 26,000 में। ओके, 26,000 में, यस सर। और इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है? इसका ओरिजिनल प्राइस अबव 1.5 रहेगा सर। ओके, Xperia सुपर प्रीमियम सीरीज है। i7 सीरीज का आपको लैपटॉप 26,000 में मिल रहा है सर। और क्या चाहिए आपको, मतलब अगर आपको लैपटॉप का नॉलेज रहेगा ना तो मैं बता देता हूँ। मतलब i3 रहता है, i5 रहता है, i7 रहता है और i9 रहता है। तो मेरे जैसे एडिटर के लिए ना i7, i9, i5 भी चल जाता है, लेकिन i7 बेस्ट रहता है। ठीक है, तो अगर आपको हैवी यूजेस है, वर्कलोड है, या फिर मतलब कॉलेज के लिए वगैरह चाहिए होगा, तो ये i7 काफी मतलब अच्छा है। मैंने बहुत सारे शॉप पे एंट्री किया है, मतलब विजिट किया है लैपटॉप के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन वहाँ पे प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अपने यहाँ पे इतना कम, मतलब सर ये अपने पास डायरेक्टली इंपोर्ट लैपटॉप आ जाते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट लैपटॉप, कस्टमर लैपटॉप सेल नहीं करते हैं। ओके, जो भी है इंपोर्ट लैपटॉप में ही डील करते हैं। ओके, और किसी को बल्क में चाहिए होगा, किसी को शॉर्ट में मिल जाएगा आपको, तो उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मुझे लैपटॉप के लिए, तो उसके लिए मैं आया, क्योंकि पर्सनली मैं भी चाहता था एक लैपटॉप लूं, तो आया हूं यहां पे। और एक सीरीज है जो कस्टमर ज्यादा लाइक कर रहे हैं विंडोज में, 360 लैपटॉप। ये 360 लैपटॉप आपको ब्रांड न्यू कंडीशन इंपोर्ट लैपटॉप रहेगा, प्रॉपर i7 8GB रैम, 256GB SSD, ये आ जाएगा आपको 30,000 में ओनली। ये रहेगा 360 मॉडल, ये काफी सारी डिमांड आ रही है मार्केट में। ओके, ये 360 मॉडल है, ऐसा देख सकते हैं, पूरा फोल्ड कर सकते हैं, पूरा फोल्डिंग हो सकता है। और ये टच स्क्रीन है क्या? यस सर, टच स्क्रीन है। ओके, तो ये देख सकते हो, ये भी ये 30,000 में मिल जाएगा। यस सर, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह रहेगा इसमें, पहले ये देखा था, बहुत बड़ी स्क्रीन, सबका मतलब पहला प्यार रहता है आईमैक। बहुत सारे वीडियोस में हम देखते हैं ना, तो अपने लगता है यार आईमैक मतलब काफी सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसका क्या है प्राइसिंग, क्या है कैसे? ये iMac है, i5 प्रोसेसर, 16GB रैम है, 1TB हार्ड डिस्क है इसमें, 2GB ग्राफिक कार्ड है। ये आपको आ जाएगा ओनली 25,000 में। 25,000? यस सर। ओके, ये देख सकते हो, ये भी चाहिए होगा आपको iMac सीरीज, तो वो भी आप ले सकते हो। तो हम आपको एक दो सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूं यहाँ पे कौन से लैपटॉप है, फिर हम मिलते हैं सर से, मतलब मिलते हैं। मुझे भी एक लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैकबुक भी अपने पास अवेलेबल है, मैकबुक एयर में भी अपने पास है अवेलेबल। ये मैकबुक एयर आपको आ जाएगा 8GB रैम, 256GB SSD, आ जाएगा ओनली 25,000 में। 25,000 में कितना है एकदम ऐसे एक हाथ में उठाया मैंने। ये सेम मॉडल आपको 2015 का मॉडल आ जाएगा, 8GB 256GB के साथ आपको आ जाएगा 18,000 में। 18,000? यस सर, 18,000। क्या चाहिए एप्पल आपको 18,000 में मिल रहा है? ठीक है, तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक एक लैपटॉप आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं नितिन सर से बात कर ही रहा था, तो मैंने पूछा ये क्या चीज है, तो उन्होंने बताया आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना मतलब अपने टीवी को ही मतलब कंप्यूटर बना देते, तो ये CPU इसका यूज क्या है बोले आप? ये टाइनी PC है। Okay. इसमें 8GB रैम रहता है, आपके ऊपर डिपेंड है SSD कितना डालना है, 256 भी लग सकती है इसमें, 1TB भी लग सकती है, मतलब अपने ऊपर SSD आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। यस सर, इसमें 8GB 256 के साथ रहेगा ये 6500 में, इसके साथ वायरलेस कीबोर्ड रहेगा, वाईफाई डोंगल आ जाएगा, ये आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सेटअप बॉक्स की तरह रखकर आप यूज कर सकते हो। ओके, तो टीवी पे जो गेमिंग वगैरह करना होगा ना आपको, तो आप ये यूज कर सकते हो। इसका प्राइसिंग 6000? यस, i3 में आ जाएगा 6500 में। ओके, और i7 में आ जाएगा 8500 में। ओके, वो भी अपने पास अवेलेबल है, दोनों भी है। तो आपके पास बॉक्स वाला है मतलब? यस यस है, सैंपल में दिखा देता आपको, ये देखो ऐसे बॉक्स पैकिंग में आपको आ जाएगा, बॉक्स पैकिंग में आ जाएगा, ये प्रॉपर पैकिंग होती है, ये सब इंपोर्ट है, प्रॉपर ब्रांड न्यू है ये सब, देख सकते हो। ये HP का i5 प्रोसेसर रहेगा, इसमें आपको i7 भी मिल जाएगा, i5 i7 i3 तीनों चीजें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। यस सर, ये काफी सही है दोस्तों, अगर आप लैपटॉप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हो
मतलब इस टाइम पे, तो आप ये भी ले सकते हो, आपका टीवी भी चल जाएगा प्लस आप उसको कंप्यूटर भी बना सकते हो। और ये बच्चों के लिए भी एक बेनिफिट है कि आप इन्हें दूर रखकर आप वायरलेस कीबोर्ड माउस पे एक डिस्टेंस पे आप यूज कर सकते हो, जिससे छोटे बच्चों के आंखों में तकलीफ नहीं होगी। तो ये वायरलेस भी एकदम बेस्ट है, मतलब ये लड़को उधर और वहां सब चला सकते हो, तो बेस्ट है एकदम। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो भाई अभी हमारे यहाँ पे लैपटॉप जो है पैकिंग करें, लैपटॉप का आपने लोगों देख ही लिया होगा कौन सा है, लेकिन क्या वर्जन है मतलब उसका प्राइसिंग क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो हमें इसके साथ ये देखो एक बैग है आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आप जो भी कंप्यूटर लोगे उसका एक चार्जर आपको दे देंगे, उसका ओरिजिनल चार्जर मिल जाएगा, ठीक है। और ये है आपको की गार्ड जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे मेन बात, आपको यहाँ पे गिफ्ट नहीं मिलेगा लेकिन जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गिफ्ट के पीछे भागते हैं, मुझे गिफ्ट भी चाहिए, ये सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, तो उसका बात हम लोग करेंगे नहीं। अभी हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। मैं आधा पेमेंट जो है वो कैश में करने वाला हूँ, ठीक है। और जो बाकी पेमेंट है जैसे मैंने कहा था मेरा बजट, मतलब बजट के अनुसार आप यहाँ पे आ सकते हो। और कार्ड में आपको ईएमआई फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक। क्रेडिट कार्ड पे ही है ना, डेबिट कार्ड पे ईएमआई? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में भी लिमिटेड बैंक में आपको, लिमिटेड बैंक जो है आप पूछ सकते हो, मैं नंबर आपको दे दूंगा, उसके ऊपर आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड में अभी दे रहा हूँ, पेमेंट ले रहा हूँ। तो मैंने मतलब बहुत सुना था आपके शॉप के बारे में, आपके लैपटॉप्स के बारे में तो सुना ही था, लेकिन आप जो सर्विस देते हो मतलब बहुत सारे, उनके बारे में कुछ बता पाओगे? किसी को लैपटॉप नहीं लेना होगा लेकिन जिसके पास लैपटॉप एक खराब हुआ है उसको सर्विस करवाना होगा। सर्विस के लिए देखो सर, अपने पास है ना सेम डे में भी लैपटॉप रिपेयर हो जाते हैं, और अपने पास इन मिनट्स में भी आपके पास इंजीनियर पहुंच जाता है डोर टू डोर सर्विस के लिए। मतलब डोर टू डोर सर्विस भी मिल जाएगी? यस सर। और सर्विस जो होती है सेम डे में जो लैपटॉप रिपेयर होते हैं, डिपेंड ऑन प्रॉब्लम। अगर मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है तो हम सामने से ही एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप हमें डायग्नोस करना पड़ता है रिपेयर होने के बाद, क्योंकि है ना अगर मैं डायग्नोस नहीं करूँगा तो आपको रिपीट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम प्रॉपर डायग्नोस करके ही लैपटॉप रिपेयर करके कस्टमर को दे देते हैं। ओके, तो प्रॉपर चेक करोगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम है कस्टमर को बताओगे, देन ही आप मतलब जो है प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो अगर आपको होम डील मतलब होम सर्विस भी चाहिए होगा तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो नवी मुंबई में किसी भी एरिया में ले लेते हो, मतलब थाने से लेके पनवेल तक, और यहाँ से वाशी। यस सर, आप कहीं पे भी सर्विस ले सकते हो। पनवेल की ब्रांच ऐसे भी है अपने पास कि अगर खारघर में लैपटॉप रिपेयर किया तो आप पनवेल स्टोर पे भी दिखा सकते हो कि मैंने खारघर ब्रांच में रिपेयर किया था। तो आप लैपटॉप पनवेल में भी सबमिट कर सकते हो, सीवुड्स में भी कर सकते हो, या तो खारघर भी आ सकते हो। जो बाकी दो शॉप्स है ना उसका एड्रेस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना जो नियर बाय लोकेशन आपके रहेगा, तो वहाँ पे आप जाके विजिट कर लेना और जो लैपटॉप है आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको मतलब ये जो स्टॉक्स है वो हर टाइम चेंज होते रहेंगे या फिर? यस सर, स्टॉक हमेशा चेंज होता रहेगा, प्राइसिंग भी चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं कि आज मैंने जो दिखा है वो स्टॉक रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन नया स्टॉक जरूर रहेगा। ओके, तो आप वीडियो में देखोगे कि ये स्टॉक मैंने देखा था, तो स्टॉक चेंज होता रहता है, स्टॉक आता है जाता है, तो प्राइसिंग में थोड़ा माइनर डिफरेंट रहेगा। ओके, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ पे विजिट करने से पहले जो मैंने नंबर दिया ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कॉल कर लेना, आप सर से बात कर लेना, वो आपको बता देंगे प्रॉपर सब कुछ, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको लैपटॉप कौन सा मैंने लिया है वो बताता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली मैंने ये वाला जो लैपटॉप है वो चूज कर लिया, मैकबुक प्रो है, i9 सीरीज वाला है और 2019 का मॉडल है, ठीक है। तो ये मुझे 55,000 का गिरा, ठीक है, मतलब 55,000 में मिला। पहला लैपटॉप है दोस्तों, आप समझ सकते हो खुशी, और वो भी मैकबुक है, ठीक है। तो इस पे एडिटिंग अभी नेक्स्ट लेवल की हो ही जाएगी। तो अभी हमारे साथ नितिन सर है जिनका ये मतलब शॉप है। तो सर, यहाँ पे लोगों को क्यों आना चाहिए, मतलब आप ही के पास? लोगों को यहाँ पर आना इसलिए चाहिए क्योंकि अपने पास कम रेंज में यूनिक लैपटॉप मिल जाते हैं जो नॉर्मल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते। ये बात सही है दोस्तों, मतलब मैंने सारे लैपटॉप्स देखे यहाँ पे, मोर देन 50 लैपटॉप्स है अभी यहाँ पे, अंदर भी है स्टॉक, आप जब आओगे तो आपको देखने मिल जाएगा। और प्राइस तो काफी सस्ती है दोस्तों, प्लस प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने वाली चीज, ठीक है। और यूनिक लैपटॉप को मिल जाएंगे, उसमें से एक दो मॉडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने मतलब चूज किए थे, लेकिन एट द एंड एप्पल एप्पल है दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये देख सकते हैं एचपी का पवेलियन सीरीज, एचपी का पवेलियन राइजन सीरीज 144Hz डिस्प्ले रहेगा, ये कंडीशन वाइज देख सकते हो। उसके बाद अपने पास डेल का भी है एलिनवेयर जो गेमिंग के लिए यूज होगा और प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए यूज होगा, ये मोस्टली आपको लैपटॉप देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे खरीदने मिले। और ये है टच स्क्रीन में 4K लैपटॉप है सर। ओके, ये स्क्रीन रिजोल्यूशन जो है वो देख सकते हो आप। ओके, तो ये सर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को नया लैपटॉप चाहिए होगा तो उसके लिए क्या है? नए लैपटॉप भी अपने पास अवेलेबल होते हैं,
जो मॉडल आपका पहले यूज क्या है वो पूछा जाता है, उसके बाद हम सजेस्ट करने में दो मॉडल अवेलेबल करके दे देते हैं। अगर आपको लैपटॉप खरीदना होगा, सजेशन चाहिए, देखो एक्सपर्ट का सजेशन कभी भी मायने रखता है, ठीक है, आपको लगेगा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये आपको बता देंगे तो वो लैपटॉप के लिए बेस्ट हो जाएगा। आप अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लैपटॉप आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो ये जो शॉप का लोकेशन है, खारगर स्टेशन आप उतर जाते हो ना, तो वहाँ पे आप लैपटॉप वर्ल्ड खारगर यस नेट पे सर्च कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे। और सामने एक कॉलेज है, कौन सा, फैशन इंस्टीट्यूट कॉलेज, न्यू कॉलेज, उसके सामने ही ये जो स्टोर है वो है। और भी शॉप है, और भी शॉप, एक सीवुड में है और एक पनवेल में। तो जो नियर बाय आपके है, खारगर, सीवुड, पनवेल, जो आपके नियर बाय है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे अगर कोई भी डाल सकते हो लैपटॉप वर्ल्ड पनवेल तो लोकेशन आ जाएगा, लैपटॉप वर्ल्ड सीओ डालोगे तो लोकेशन आ जाएगा आपका। हाँ। अपने पास और दो मॉडल है, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो भी मोस्टली अवेलेबल नहीं होते। 360 में भी है अपने पास, थोड़ा यूनिक लैपटॉप में ये भी जाता है, 360 मॉडल। ये मॉडल काफी सही है दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए ले रहे हो, आपके वर्क प्लेस के लिए, मतलब कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपको चाहिए होगा तो ये लैपटॉप आप ले सकते हैं। और ये भी काफी सस्ता है, इसका प्राइस क्या बोलते हैं, ये अपना 30,000 में i7 प्रोसेसर रहेगा, 16GB 5000 में i7 प्रोसेसर मिलेगा आपको, देखा। और ये भी आपको 360 वाला मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो, आप फ्लेक्स कर सकते हो अपने दोस्तों के सामने, ये मेरे पास 360 वाला लैपटॉप है, ठीक है। और एक XPS में भी मॉडल है, ये भी अपने पास क्वांटिटी भी आ जाती है, ये लुक वाइज देख सकते हो, ये सुपर प्रीमियम डेल की सीरीज है, ये भी अपने को कम रेंज में मिल जाएगा, ये 28 के रेंज में मिल जाएगा आपको। और ये सेम आपको एप्पल का फील देता है दोस्तों, देख सकते हो पूरा मेटल बॉडी है ना ये, यस सर, ये मेटल बॉडी है, प्रॉपर वैसे ही लगता है, सिर्फ डेल का लोगो आ जाता है, और डेल भी कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये सुपर प्रीमियम सीरीज वाला लैपटॉप है जो 1 लाख के ऊपर वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ सर का, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट करके आना, तो आपको क्या क्या स्टॉक्स अवेलेबल है वो सब मिल जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल होता है तो आप स्टोर पे आ जाओ, तो स्टोर पे आपको मल्टीपल जो स्टॉक्स है आपको चेक करके देखने मिलेंगे, ठीक है। अपने पास एप्पल में भी और भी कलर भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि ये जो लेडीज के लिए बेस्ट कलर है, ये भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और देख सकते हैं ये रोज गोल्ड है, रोज गोल्ड में भी मिल जाएगा, गोल्ड कलर में भी मिल जाएगा। और ये थोड़ा यूनिक लगता है, मतलब आप कभी भी मार्केट में बैठे, मतलब कहीं पे भी जाते हो, कॉफी शॉप्स में आप रखते हो, तो ये एक अट्रैक्टिव चीज हो जाती है, लोग देखते हैं इसको, ठीक है, लोगों का पता नहीं, मैं तो देखता हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, अभी सबका प्राइस बताना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो चेंज होते रहते हैं, तो आप जब विजिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे ऑफर्स भी मिल जाएंगे और प्राइस भी आपको बताया जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।